अस्सलाम असलैक्म गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम व्यूअर्स एक और होपफुली पॉजिटिव और हैप्पी मॉर्निंग के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ जुगन काजिम हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक ट्रिब्यूट पेश करके क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क हम अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि उन लोगों को ज़रूर याद रखें जिन्होंने किसी न किसी तरीके से हमारे इस बहुत ही प्यारे वतन को कंट्रीब्यूट किया है स्पेशली जो हमारी मीडिया की पर्सनालिटीज़ हैं उनको याद करते हैं आज सेवनटीन ऑफ जनवरी है और आज रशीद नाज साहब की पहली डेथ एनिवर्सरी है आपकी बरसी है आज आप एक बेहतरीन फिल्म एंड टेलीविजन आर्टिस्ट थे पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ भी आपने बहुत काम किया पश्तो एंड उर्दू लैंग्वेज़ में आपने मूवीज़ और ड्रामे किए आपका जो फर्स्ट फेमस ड्रामा था उसका नाम नमोस था और आ, आपने आई थिंक आगाज़ लिया था अपने करियर का विद ए, फिल्म करियर का विद अ पश्तो फिल्म ज़मा जंग और आपकी पहली जो उर्दू फिल्म थी उसका नाम था डकैत व्यूअर्स अगर हम बात करें तो ऑडियंस की जानिब से फ़िल्म खुदा के लिए और म्यूजिक इश्क मोहब्बत अपनापन में भी आपने एक्टिंग की और बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया गया इसके अलावा अक्रॉस द बॉर्डर भी आपने काम किया तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला रशीद नाथ साहब के दर्जा बुलंद फरमाए और उनकी फ़ैमिली को भी हमारे कंडोलेंसेस। अ ग्रेट आर्टिस्ट जो हमसे बहुत जल्दी जुदा हो गए अच्छा व्यूअर्स जहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं वहाँ पे आज मैंने आपसे बात करनी है प्रोफेशंस की करियर्स की कोई भी काम करने की देखिए व्यूअर्स कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता ये हमारी मैंटेलिटी पे या हमारी सोच पे डिपेंड करता है आज की बात का आगाज़ ही मैं अपनी पर्सनल स्टोरी के साथ करना चाहूँगी जो पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको मैं ज़रूर बताना चाहूँगी बहुत से लोग जब अपने काम का या अपने करियर का आगाज़ करते हैं डिफरेंट फील्ड्स से या अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं पढ़ाई के दौरान भी कभी कभी जॉब करनी पड़ जाती है मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ जब मैं कैनेडा गई यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए वहाँ पर कुछ ऐसे मामलात बने कि मुझे वहाँ पर जॉब करनी पड़ी ताकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस और अपने अखराज को कवर कर सकूँ और वो भी यूनिवर्सिटी के साथ ही वर्क स्टडी का प्रोग्राम था क्योंकि ऑब्वियसली जब आप विज़िट वीज़ा पे जाते हैं तो मतलब आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं तो आपको जॉब करने की इजाज़त नहीं होती तो प्रॉपर चैनल के थ्रू थ्रू द एम्बसी वगैरह मैंने वर्क परमिट लिया यूनिवर्सिटी के कैंपस पर काम करने का अब यूनिवर्सिटी के कैंपस पर जो जॉब्स अवेलेबल थी वही मैंने करनी थी उनमें से जो मेरी पहली जॉब थी आप सोचें कि जिंदगी की जो मेरी पहली जॉब थी वो थी सफाई करना मैं बेसिकली यूनिवर्सिटी की जैनटर थी यानी कि मैं बाथरूम साफ़ करती थी यूनिवर्सिटी के डॉम साफ़ करती थी प्रॉपर झाड़ू पोछा सफाई और आ, मुझे अक्सर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तंग करने के लिए गाबिज गर्ल भी बुलाते थे जो उस वक्त तो बहुत चुपती थी बात लेकिन उस एक्सपीरियंस से एक तो मैंने सीखा भी बहुत कुछ और क्योंकि वो मेरी पहली जॉब थी तो इसलिए वो मेरे लिए अहमियत भी बहुत रखती है आजकल मैं देखती हूँ लोगों को जब वो जो और आज क्योंकि मैं मीडिया में काम करती हूँ और आप लोगों के सामने होती हूँ तो लोग यही प्रज्यूम करते हैं जब मुझे लोग कहते हैं ना कि आपको खाना बनाना आता है आपने कभी सफ़ाई की है तो मुझे बहुत हंसी आती है क्योंकि मैंने कपड़े भी धोए हैं सफाइयाँ भी की हैं झाड़ू पोछे भी किए हैं ये सब काम किए हैं और बहुत खुशी खुशी किए हैं हाँ उस वक्त जब कर रही होती थी तो कभी कभी एक वट उठता था दिल में कि यार ये क्या है मैं तो फलां की बेटी हूँ मैं तो फलां बैकग्राउंड से हूँ ये क्या नॉनसेंस है और मैं वो लड़की थी जिसने कभी तकिए को गिलाफ़ के अंदर नहीं डाला था जब मैं यूनिवर्सिटी गई पहली दफ़ा जब तकिए को गिलाफ़ में डालना था तो उसके साथ कुश्तियाँ लड़ रही थी मेरी रूममेट कैथरीन नकाय शी इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल आई और कहती है वॉट आर यू डूइंग मैंने कहा ये इसको मैं अंदर डालने की कोशिश कर रही हूँ तो कहती है तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही तो वो फिर उसने खोल के उसको अंदर डाला और उसको इस तरह करके फोल्ड किया और कहती है इस तरह करते दें तो पहली दफ़ा बिस्रा बनाना मेरी रूममेट ने मुझे सिखाया कैथरीन ने अल्लाह से खुश रखे पता नहीं कहाँ है अब वो लेकिन शी वॉज अ लवली पर्सन यूर जिंदगी के ये एक्सपीरियंसेस हमें सिखाते हैं पहली दफ़ा जब यूनिवर्सिटी में थी अपनी लॉन्ड्री करने के लिए अपने कपड़े धोने के लिए गई लाल रंग का स्वेटर बाकी कपड़ों के अंदर डाल दिया सारे सफ़ेद कपड़े जो थे वो गुलाबी रंग के हो गए क्योंकि वो लाल स्वेटर में से सारा रंग निकलाया तो कुछ छः आठ महीने साल तो मैंने सफ़ेद की जगह गुलाबी कपड़े पहने और अजीब पैचेज़ वाले लेकिन जो सिचुएशन थी जो हालात थी उस हालात थे उसके हिसाब से चली ऐसा वक्त भी आया कि जब मैं आ, खाने का लेने का वक्त आता था कि जाके कहीं से सौदा खरीदना है ग्रोसरी खरीदना है तो मेरे पास पैसे इतने मुख्त से इतने कम होते थे कि वो एक क्राफ़्ट डिनर होता है एक पास्ता होती है मैक्रोनियन चीज़ भी उसको कहते हैं वो एक डिब्बा लेती थी और पूरा पूरा हफ़्ता इतना इतना सा उसमें से निकालती थी उसको पकाती थी और उसके अंदर दूध और मक्खन डालना होता है दूध और मक्खन नहीं अफ़ोर्ड करती थी तो पानी के अंदर उसको पका के खा हाँ लेती थी और सब्र शुक्र कर लेती थी सो so व्यूअर्स हम लोगों को जब कामयाबी के एक सर्टन लेवल पे देखते हैं हम हमेशा ये सोचते हैं कि वाह यार इसकी तो लॉटरी लग गई होगी या ये तो हमेशा से ही इन हालात में होगी या होगा लेकिन ऐसा नहीं होता उसके बाद भी बहुत से टफ़ टाइम्स आए ज़िंदगी में लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है अपनी मेरी एक स्किन केयर एंड हेयर केयर की एक नेचुरल प्रोडक्ट्स की ब्रांड है आप लोगों के लिए मॉर्निंग शो होस्ट करती हूँ एक्टिंग भी करती हूँ कॉपरेट शोज़ भी होस्ट करती हूँ लेकिन यहाँ पे पहुँचने में बड़ा वक्त लगा और एक सफ़र था सो so व्यूअर्स आज आपकी हम मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से कराएंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल देखी टफ़ टाइम देखा और उन्होंने फिर अपने लिए ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की और ऐसे काम क्रिएट किए कि वो खुद ऑन्ट्रप्रनोर्स बन गए और अब ना सिर्फ वो ख़ुद काम करते हैं लेकिन वो दूसरों को भी जॉब्स प्रोवाइड करते हैं सो so व्यूअर्स आज ये बात करने का मेन रीज़न ये था कि देखें अगर घर पे बैठे हैं परेशान हैं नहीं समझ आ रही कि क्या करें हालात से तंग हैं मामला से तंग हैं तो परेशान होने की बात नहीं है अल्लाह का बड़ा करम है अल्लाह हम सब के साथ अच्छा ही करते हैं और बहुत सी दफ़ा बल्कि हर बार जब हम पे टफ टाइम आता है तो वो हमें कुछ सिखाने के लिए ही आता है तो ज़िंदगी में सीखना है आगे बढ़ना है और पॉजिटिविटी की तरफ जाना है तो ये जो इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़ आज हमें ज्वाइन करेंगी उनसे हम अपने शो के सेकंड हाफ में मुलाकात करेंगे अभी अलबा अगर आपने कॉल करके अपनी कोई कामयाबी की कहानी या सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करनी है तो ज़ीरो फोर टू नाइन नाइन टू जीरो ज़ीरो सिक्स फोर एट पर आप कॉल करके शेयर कर सकते हैं और मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है व्यूअर्स किचन में आज हमारी फेवरेट शेफ़ है एक बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी जो हैं तो होम शेफ़ लेकिन इतना इनके हाथ में माशाल्लाह मज़ा है कोफ्ता बिरयानी इन्होंने कुछ दिन पहले जब हमारे शो पे बनाई तो हमारी पूरी टीम वाह वाह करती रह गई इतना मज़े का खाना और उसके अलावा जो आप आलू बुखारे की चटनी लेके आई थी शेफ़ राहीला रशीद साहबा अस्सलाम, अस्सलाम और वो जो आप बहुत ही लजीज़ चटनी भी साथ ले आई थी वो जो आलू बुखारे की थी जी जी।

अम्मी की जी बिल्कुल सही और अम्मी आपकी माशाल्लाह है आज तक माशाल्लाह आज भी बहुत है। अच्छा बनाती जी अच्छा बाय द वे एक और हमें मजे की बात पता चली कि इनकी अम्मी जो है उनके पास एक बहुत बड़ी कलेक्शन है सन ग्लासेस और बैग्स की राइट बिल्कुल किसी दिन हम उनके घर जाके उसको चेक करेंगे जरूर अच्छा तो रईला जी आज मेन्यू में क्या है आज हम साग बनाएंगे सरसों का और उसके साथ अखरोट की चटनी है अखरोट की चटनी जी और 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 साथ में मकई की रोटी मकई की रोटी जी, नहीं, मकई की रोटी मकई के 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 की रोटी के रोटी रोटी जी के बगैर साग तो नहीं लगता शुक्र है मेरी बनाने के लिए हमें चाहिए सरसों का साग दो किलो पालक एक किलो मेथी एक बटा दो किलो हरा प्याज एक पाव लहसुन दो जुए हरी मिर्च दस अदद हरिया धनिया गुटी मक्खन देसी घी एक कप प्याज दो अदद, दमक हंस का और हरी मिर्च हल्दी एक चाय का चम्मच और सूरज मिर्च भी एक चाय का चम्मच और इसके बाद हम बनाएंगे मकई की रोटी अच्छा पहले अगर हम उसका तरीका मकई की रोटी ठीक है साग सारे साग हम काट लेंगे और उनको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और उसके बाद हम इनको अच्छी तरह से पका लेंगे वही उबाल के अच्छी तरह से पका लेंगे जब अच्छी तरह गल जाए फिर इसको हम प्याज ब्राउन करेंगे लहसुन देसी घी में ब्राउन करके उसका इसको भगाड़ देंगे और सब्ज मिर्च और ये सारी चीजें जो हमने इसमें आ, आपने जो वो बताई हैं मसाला जात वो जब इसको बॉईल कर रहे होंगे पका रहे होंगे तो तब भी उसमें डाल इसमें सिर्फ हम सब्ज मिर्च उस वक्त डालेंगे ठीक है बाकी सारी चीजें जो है ना इसको भगार लगाते हुए डालेंगे भगार लगाएंगे ठीक है और मकई की इसके बाद मकई की रोटी है मकई का आटा तकरीबन तो डेढ़ किलो कौन सा वाला वाइट या दूसरा वाइट 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 और पानी हसबे जरूरत और, देसी और इसके साथ और देसी घी और हल्का सा नमक जी ठीक है और इसके बाद कैसे बनाना होता है पता नहीं क्यों मकई की रोटी का कि वो रोटी टूटती जाती है हाँ नहीं हम भाई प्रॉपर बनाएंगे इंशाल्लाह और टूटेगी भी नहीं तो इसको ये क्योंकि हमारे इलाके की हुँ, है, हुँ। हमें बनाने आती है नहीं इसको, इसको, इसको जरा मल मल के ना सॉफ्ट करना पड़ता है और फिर इसको हमने गूंदना है पानी के साथ पानी के साथ देसी घी थोड़ा थोड़ा साथ लगा के फिर जो है ना इसको पकाना है पराठे की तरह बन जाए और अखरोट की चटनी है अखरोट की चटनी के लिए हमें अखरोट चाहिए दस अदद हरी मिर्च पाँच अदद पुदीना एक उठी हरा धनिया एक उठी लहसुन एक जुआ टमाटर एक अदद प्याज एक अदद और नमक हंसने जायका और इन सारी चीज़ों को हम पीस के अच्छी तरह से चटनी तैयार कर लेंगे अमेजिंग अखरोट की चटनी वैसे मैंने कभी चखी नहीं है आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट खैर आप तो जिस चीज़ को हाथ भी लगाती हैं उसका पानी का जायका भी खूबसूरत बहुत मजे का कर देती है यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे आपके हमने आपको काफी टास्क साथ दे दिए तो आप अपना काम करेंगी और हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स हमें ज्वाइन किया है बहुत ही ब्रिलियंट हमारी फेवरेट हमारी कुछ आज सारे फेवरेट फेवरेट लोग शो पे आए हुए हैं आज शेफ भी मेरी फेवरेट टाइम ही है मेरी आज न्यूट्रिशनिस्ट डाइट भी फेवरेट टाइम ही है इज़ ऑल्सो फूड टेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर जैनब वालेकुम को अच्छा जैनब आपने देखा होगा कि हमने अभी ऑनर दिखाए आ, आ, जैतून के वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स ऑलि एक वक्त था जब यूवर्स आप हम जैतून की ओलेिव की बात करते थे तो लोग बड़ा हैरान होते थे कि यार ये क्या चीज़ होती हुँ. है वन वाज जब मैं छोटी थी तो कम से कम तब इतने ईजिली अवेलेबल नहीं थे बोतल में ही आपको इम्पोर्टेड मिलते थे और वो काफ़ी महंगे होते थे yeah. तो किसी स्पेशल सैलड में किसी चीज़ में डालना हुआ तो तब अब जैतून यानी कि ओलेव बहुत आम हो गए हैं हुँ. खाने में भी और जैतून का तेल मतलब अब तो इतना उसको रेकमेंड किया जाता है कि हमने सोचा कि जैतून पे आपसे बात करेंगे कि ऑलिव इन सेल्फ और फिर ऑलिव ऑयल और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करें तो शुरू करते हैं जैतून से ऑलिव से कि ऑलिव की कितनी इकसाम होती हैं ऑलिव जो है इसके बारे में तो कुरान पाक में भी कहा गया है कि ये एक पाक चीज़ है और इसकी के बारे में कसम भी खाई गई है एक सूरत की बिल्कुल स्टार्टिंग में ही तो हम उसे यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी पाक चीज़ है और वो हमें इतने उसमें मिल रही है तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके कितने ज़्यादा फ़ायदे होंगे हमारे लिए और हिडन बेनिफिट्स हैं आप ये देखें कि मेरा मानना ये है कि कोई भी चीज़ है ना हमने आज तक उसके न्यूट्रिएंट्स उसके जितने भी आप कह लें फायदे हैं ना वो पूरे डिस्कवर नहीं किए और जिसमें से ऑलिव्स जो है ना वो एक है ऑलिव्स hmm. की जो है वो बेसिक जो कॉमन एग्जाम चलती हैं वो हमारे यहाँ चलती है एक ग्रीन लाइट ग्रीन सा जो आता hmm. है और दूसरा हमारे पास ब्लैक ऑलिव जो होता है वो आता है और दोनों का टेस्ट ही बड़ा ही मज़े का होता है लेकिन बाकी दुनिया में इसकी तीन से चार टोटल जो है, इनका इस्तेमाल हम खाने में कर सकते हैं में कर सकते हैं। अपने रायते में कर सकते हैं इवन हम वैसे स्नैक के तौर पे भी कर सकते हैं हमारे असल स्नैक की रूटीन जो है वो जरा काफी खराब होती है तो सुन के अजीब लगता है अच्छा स्नैक हालांकि अगर ऑलिव को हम नट्स के साथ मिला के खाएं तो उनके जो है फ़ायदे अप हो जाते हैं हमारी स्किन के लिए अच्छा हमारी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा हमारे अच्छा हम सारा दिन रोते रहते हैं चेहरे पे ग्लो नहीं आता ओलिव इज़ समथिंग जिसको खाओ लगाओ बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं आपको रिंकल्स पड़ रहे हैं आपको एजिंग हो रही है आप स्मार्ट होना चाहते हो आप जो है वो यंग लगना चाहते हो ओलिवस का इस्तेमाल करें ऑलिव्स का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि एक तो आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा नंबर टू आपकी स्किन अच्छी होनी शुरू हो जाएगी नंबर थ्री जो हम कहते हैं ना कि जी डिहाइड्रेशन बहुत रहती है मेरी आँखों के जो है वो दायरे बन रहे हैं डार्क सर्कल्स हो गए हैं हर चीज़ का जो है ना हल वो हमारे पास जैतून जो है वो अवेलेबल है और बस फूड टेक्नोलॉजिस्ट है। इस, है। इस तो, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए पोर्शन भी हमें देता है और उसके साथ साथ फैट का भी पोर्शन हमें देता है और ये हमारे लिए एक गुड फैट अच्छा, जो है, जैतून में है।, भी होती है। yes. लेकिन बहुत कम अमाउंट में हुँ. होती है तो इसलिए हम अक्सर उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं और उसके फैट या कोलेस्ट्रॉल या ऑलिव्स के जो फैट है उसकी तरफ ही जाते हैं अब लोगों को लगता है कि जी अगर हमें कलेस्ट्रॉल है यूरिक एसिड है तो हमने जैतून के तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना ऐसा बिल्कुल नहीं है आप अपना कलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड जो है वो उस जैतून से रिवर्स भी कर सकते हो अच्छा Yes. Okay. क्योंकि अगर आप इसके बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट को इस्तेमाल करते हो अपनी डेली रूटीन में तो आप इससे बहुत अच्छा जो है वो अपनी सभी बीमारियाँ डायबिटीज़ जो है आप उसको बेहतर कर सकते हो इससे हम कहते हैं डायबिटीज मेरी कंट्रोल नहीं होती मेरा शुगर बहुत बड़ा रहता है लेवल्स कम कम नहीं होते भाई आप जैतून के तेल का इस्तेमाल शुरू करें और आप देखेंगे कि इसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं अच्छा जनाब जैतून के तेल के बारे में आई नो कि उसके बेनिफिट्स की बात करें लेकिन जैतून के तेल की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें एक वक्त था कहता था जैतून के तेल में खाना बनाओ जैतून के तेल में सलाद बनाओ जैतून के तेल में सारा कुछ करो फिर कहना शुरू हो गया कि जैतून के तेल को कुकिंग के लिए नहीं यूज करना फिर कहा कि कुकिंग के लिए यूज करना है अब इतने वो ऑयल्स आए हुए बड़ी बड़ी कंपनीज ने जैतून का तेल बनाना शुरू कर दिया और

अगर आपका नॉर्मल ऑयल जो है उसमें हम उसकी कुकिंग कर सकते हैं बेकिंग कर सकते हैं फ्राइंग कर सकते हैं उसको हम हीट कर सकते हैं लेकिन जैसे ही हम कहते हैं एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन जो है ऑलिव ऑयल का मतलब ये होता है कि उसको बहुत ज़्यादा प्रेस करके उसको रिफ़ाइन जो है मतलब आप कह लें कि सबसे कम उसमें जो है एडिटिव्स एडिड हैं सबसे कम उसमें जो है हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं बाहर से तो वो बड़ा एक साफ सा सॉफ्ट सा होता है लेकिन आप उसमें उसको कुकिंग नहीं कुक नहीं कर सकते yes. उसको आप सलाद में यूज हाँ. करें मैं तो ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो एक चम्मच जैतून का तेल hmm. सुबह निहार मुंह ले लेते हैं बिकॉज उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू है यस yes. कॉन्स्टिपेशन आप इससे रिलीव कर सकते हो और उससे ज्यादा ये मजे की बात बताती हूँ ऑलिव ऑयल से आप वजन कैसे कम कर सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि कैसे ऑयल से कैसे वजन कम हो सकता है आप सुबह उठते अगर एक तो ऑयल आपका दुश्मन नहीं है कोई भी है। ये आ, आ, <laughs> फैट आपकी बॉडी में अगर नहीं होगा तो आप बहुत मेजर मेडिकल इश्यूज को फेस करेंगे और जस्ट बिकॉज किसी का वज़न ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं इसकी बॉडी में तो वैसे ही बहुत फैट है भाई, जो ना उसमें गुड cholesterol बैड cholesterol आ रहा होता है लेकिन हम वो टर्म्स इसलिए यूज़ नहीं करते कि जी आम आवाम को बात समझ आनी चाहिए हम कर क्या रहे हैं अच्छा आप इसमें जैसे कह रहे हैं कि वजन इसमें से कैसे कम किया जा सकता है सुबह आप उठे अगर सुबह उठते ही आप ऑलिव ऑयल की अगर आपने कभी नहीं लिया तो आप बिल्कुल थोड़े से से स्टार्ट करेंगे हाफ टी स्पून या फुल टी स्पून तक आप आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे सुबह उठते ही अगर आप ऑलिव ऑयल ले लेते हो चाहे आप खाली ले लो कि कोई चीज़ साथ लेने की ज़रूरत नहीं है अगर उसके बाद कोई दवाई तो नहीं है ना अगर उसके बाद ज़रा फील होता है कि मुंह जो है वो ऑयली हो रहा है तो गर्म पानी ऊपर से पिया जा सकता है लेकिन कोशिश करें कि ऑयल खाली लें अब ऑयल आपकी बॉडी में जाके करेगा क्या कि आपके मेटाबॉलिज्म को सुबह सुबह ही एक्टिवेट कर देगा और एक्टिवेट करने के साथ ये करेगा आप जो भी खाओगे वो बहुत जल्दी हजम होना शुरू हो जाएगा तो जो इंटरमीडियट फास्टिंग कर रहे हैं वो भी ये कर सकते हैं यस yes, वो भी ये कर सकते हैं क्योंकि इसका बेसिक एक प्रोसेस ये है कि फैट बॉडी में गया फैट जाके करता क्या है वो बड़ा अच्छा फ्रेंड है हमारा फैट जाके फैट के साथ मिलता है और जो जमा हुआ फैट है ना उसको बॉडी से लेके बाहर चला जाता है yes. यस ये इसका काम है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आठ चम्मच या आधी तेल याद नई नहीं हर चीज राइट अमाउंट में राइट क्वांटिटी हाँ अब अगर आपने मॉर्निंग में एक टीस्पून ऑफ ऑयल ले लिया है और आप एक स्पेसिफिक डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो फॉर योर वेट लॉस या फास्टिंग कर रहे हो तो आपने अपने पूरे दिन में से उस ऑयल की कैलोरीज को भी माइनस करना है हाँ, क्योंकि आपने वो सारी सुबह ले ली है हाँ, अब वो फैट को ब्रेक डाउन कर रहा है बॉडी से फैट को लेके बाहर जरूर जा रहा है लेकिन अगर आप ये कहो हाँ सुबह जैतून का तेल पी लिया था अब सारा दिन बर्गर और पिज्जा खाऊं मेरा तो बड़ा अच्छा वेट लॉस होगा जी हमने जुगन के शो में सुना था भाई ऐसा नहीं होगा आप सारा दिन क्या खा रहे हो वो चीज़ भी तो मैटर कर रही होगी ना उसमें exactly. बहुत ज़्यादा लेकिन हम लोग जो है वो एक चीज़ सुन लेते हैं और उस पर फिर जो है वो स्पेसिफ़िक हो जाते हैं कि ऐसे ही है अब जैतून के तेल का जो एक और फ़ायदा है वो ये है कि जिन लोगों की शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती है hmm. और उनकी कंट्रोल में नहीं आती चाहे वो जो मर्जी खाते रहें जो मर्ज़ी करते रहें अगर वो डेली बेसिस पे ऑलिव्स चार से पाँच पूरे दिन में शुरू कर दें तो उनकी जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है बॉडी में वो रेगुलेट हो जाएगी और उनके जो मसाइल हैं जैसे एच बी ए वन सी का वो टेस्ट एवरी थ्री मंथ कराते हैं तो वो देखेंगे विजिबल डिफरेंस आएगा उनके उस टेस्ट के रिजल्ट में भी ओके सो अब मुझे ये बताइए कि ऑलिव्स में भी हुँ. जैसे ब्लैक है और ग्रीन है हुँ. बेहतर कौन सा है बेहतर ये है कि आप किस कह लें कि क्वालिटी का लेते हो क्योंकि हमारे यहाँ मसला जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे सस्ते और महंगे की चीज़ का हमारे यहाँ ये बड़ा ट्रेंड चलता है ये दो पड़ी हुई है ये सौ रुपया सस्ती है मैं ये ख़रीद लेता हूँ हमें यह नहीं समझ आ रहा होता कि या तो वो क्लोज होती है अपने एक्सपायरी डेट के इसलिए वो हो रही होती है और जितनी देर हम देखते हैं कोई चीज़ पड़ी रहती है शेल्फ लाइफ हम कहते हैं अच्छी होती है जो प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं उनकी शेल्फ़ लाइफ अच्छी है लेकिन कोई ऑलिव ऑयल मार्केट में या ऑलिव मार्केट में बन के आए हैं ऑलमोस्ट फर्स्ट जनवरी को फर्स्ट जनवरी को उनका टेस्ट उनकी अफादियत डिफरेंट होगी बजाय के फर्स्ट दिसंबर यानी पूरा साल पड़े रहने के बाद क्योंकि जो टेम्परेचर है वो उस पर बहुत मैटर करता है आप किसी भी कंपनी का ले रहे हो सिर्फ ये देखो कि एक तो वो टूटे हुए ना हो ऑलिव्स मतलब बहुत ज़्यादा उनको साथ ऊपर नीचे मतलब हिलाए जुलाए ना निकला हुआ हाँ वो प्रॉपर पूरे बने हुए हों और दूसरा उसके साथ जब भी आप जैतून को कंज्यूम करें आप इसके साथ खजूर का इस्तेमाल कर सकते हो नट्स का इस्तेमाल कर सकते हो अच्छा इसका मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़े का वो ये लगता है कि जैसे गुटली निकालते हैं ना हम खजूर की और उसके अंदर हम नट या कुछ रख के खाते हैं तो उसका बड़ा मज़ा आता है आप कभी ट्राई कीजिएगा ऑलिव के साथ ना आप काजू को या थोड़े से पीनट बटर को लगा के आप खाएं उसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और उससे भी

फेमस हो जाती ऑलिव्स जैसे कॉमन हो रहे हैं अब तो पाकिस्तान में उगाए अच्छा, जा अंडे, रहे हैं अंडे ऑलिव्स ये सब चीजें वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है गर्म भी नहीं होती इतनी ज्यादा पता नहीं कि वो गर्म ठंडे से तो एक बाहर ही नहीं निकल आते हम इसकी तसीर तो उसकी तसीर अच्छा अभी हम ब्रेक के बाद आ, एक आ, मुलाकात कराएंगे अपने व्यूअर्स से आ, कुछ ऐसे लोगों से कुछ ऑन्ट्रोपनोर्स वग़ैरह से और आ, मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा अगर हम इस पर बात कर लें जो स्टॉल्स होते हैं जो ठीले होते हैं जहाँ पे वेरियस डिफरेंट चीज़ें जैसे गोला हो गया फ्रूट चाट हो गई आ, दही बड़े हो गए आ, आजकल आ, आ, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पानी ला रही थी अब आप ला रही हैं तो इन चीजों का के बारे में न्यूट्रिशनिस्ट का या डायटिशन की क्या राय है आप समझ रही है ना कि ये अब, अब जब भी कर रहे थे ना मैंने हाँ। कहा जैनब आएगी <laughs> और फिर मैं जैनब को बताऊंगी कि हमने आज ये हम आज तो मैं जा ही नहीं रही आज मैं यहीं पे आज मैं यहीं पे हूँ <laughs> अच्छा इंटरेस्टिंग वरना आई वुड वुड हैव हैव थॉट यू सेड कि ये क्या बात हुई इतना अनहेल्दी ये वो नहीं बिल्कुल नहीं मतलब ये सारी चीजें देखें देखे हमारे स्ट्रीट फूड तो सबसे ज्यादा जिस तरह गोलगप्पे हाँ, हो गए ये हम सोगे? खा के बड़े हुए हैं हमारे अंदर बिल्टे नहीं इसको हम नहीं छोड़ सकते और जब भी वो कहते हैं ना जब कौमे अपना पास्ट भूल जाती हैं तो वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है पास्ट तो अगर हम अपने हम को भूल गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे नहीं बर्बाद इस तरह से होंगे देखें हमारी जो वेन्स होती है ना और आर्टरीज होती है बॉडी की वो इस तरह से भी फंक्शन करती हैं कि हम जब सेम फूड खाते चले जाते हैं ना तो उनका मोड ऑफ एक्शन सेम एक्टिवेट रहता है लेकिन जब हम कुछ डिफरेंट यानी हफ्ते बाद दो हफ्ते बाद महीने में एक बार या दो बार कभी हमने गोलगप्पे खा लिए कभी हमने चाट खा ली वो चीज़ें जो है वो अल्टरनेट जब हम करते हैं ना तो हमारी बॉडी को एक बड़ा अच्छा जो है आप कह लें किक स्टार्ट मिलता है और उसको लगता है कि यार मुझे कुछ अच्छी चीज़ें डिफरेंट मसालेदार भी मिल रही हैं लेकिन जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ये चीज़ों का मज़ा बहुत आता है अनटिल एंड अनलेस ये हेल्दी और हाइजीनिक हो हाइजीनिक होना इनका बहुत इम्पॉर्टेंट है और अब तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है हमने लोगों में बहुत ये देखा है कि साफ़ पानी इस्तेमाल होना शुरू हो गया साफ़ बर्तन साफ़ मशीनरी और मतलब

हालांकि ऐसा नहीं है यू नीड अ साइकोलॉजिस्ट और अ अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए exactly. ऐसा इंसान आपको कभी कभी चाहिए होता है जिससे जाके आप सब बातें कर सको अब मेरे पास लोग आते हैं ना तो वो लिटरली वेट मशीन पे खड़े होते हुए पता है क्या कह रहे होते हैं किसी को बताएंगी तो नहीं किसी को बताएंगी तो नहीं और इवन अक्सर पेशेंट्स ये होते हैं कि वो मुझे कहते हैं कि हमारे प्लान पे आपने ऊपर नहीं लिखना इतना वेट है फिर जो मेरे पास उनका रिकॉर्ड होता है मैं उसमें मेंशन कर रही होती हूँ कि ये मेरे पास इस डेट को आया है इतना वेट था इसका मोस्टली लड़के भी होते हैं जो कह रहे होते हैं कि हमारा वेट ऊपर मेंशन नहीं करना हमने किसी को नहीं बताना हमारा कितना वेट अच्छा अब मजे की बात यह है कि वजन से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बात यह है कि हर बंदे का फर्क है हाँ। आज अगर मैं फॉर एग्जांपल 55 किलोस पे अगर हूँ और मेरा वेट 45 फाइव किलो जब था तो हो सकता है कि मैं उसी साइज के कपड़े पहन रही हूँ क्यों क्योंकि जिसम में आपके मसल कितना बनाए आपके अंदर फैट कितना है आपने कितना ज्यादा बॉडी को डीशेप किया है या कितना ज्यादा उसको शेप में रख के मेंटेन किया और मैनेज कर लिया अच्छा हमारे मेरे पास जो है ना लोग आती हैं जब लड़कियां स्पेशली लड़के भी बहुत सारे होते हैं लेकिन लड़कियां बहुत ज्यादा होती हैं ये मेरी शादी आ रही है और मैंने शादी के लिए अपना वजन कम करना है। उनका कंसर्न सिर्फ ये होता है कि शादी पे मैं पतली लगूं। और ये देखो कंस... कि शादी के दिनों में ये सारी चीजें सरसों का साग की रोटी गोल हाँ। गप्पे, चाटे यू you नो know, इस किस्म की सारी चीजें जो हैं उन दिनों में घर में आम होती हाँ, है और, और अवेलेबल होती है और, और सारे के सारे जो हैं वो मतलब खा रहे एंजॉय कर रहे हैं और दुल्हन का मूड खराब सड़ी हुई और दुले भी इसलिए इसलिए क्योंकि वो अपनी फेवरेट चीजों को खा नहीं रहे होते कि तो आपने कुछ भी खाना है कुछ भी आप सब खा सकते हो लेकिन अपना पोर्शन जो है वो कंट्रोल के हम पहले मकई की रोटी की बात कर रहे थे और हम दोनों ही कह रहे थे हमें कितनी पसंद है मकई की रोटी हालांकि हम किसी को बताएंगे तो वो कहेगा तो तुम लोग मोटे कैसे नहीं हो भाई मकई की रोटी जो है वो उसको बहुत बड़ा खाना और उसका एक पोर्शन साइज मतलब आप की की मकई की रोटी खा रहे हो तो वो आपको मोटा नहीं करेगी और वीक में एक बार खा, और खा लो और बाय तो मकई की रोटी आपकी सेहत के लिए भी बहुत yes. अच्छी है, मकई है वो. तो, बात ये रेगुलर आटे से तो फिर भी एक तरह से बेहतर है अगर आप प्रॉपर पोर्शन उसका लें तो अब उसके साथ आप एक पराठा भी खा लेंगे और साथ में निहारी भी खा लेंगे और वो तो, तो फिर खराब हो जाएगा एक वक्त पे एक चीज खाएं उसको इंजॉय करें और फिर अपने आप को फिर एक ट्रीट दे दें दो तीन चार छः दिनों के बाद देखिए दिन में में तीन दफा मुरगन खाएंगे तो मोटे मोटे होंगे होंगे हाजमा भी भी खराब होगा और 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 एंड अप हॉस्पिटल होते हैं ऐसे लोगों का कि पूरा महीना डाइट की और एक दिन टका के खाया फिर शाम को हॉस्पिटल और अगले दिन जी मेरा तो कोई हाल नहीं रहता जी मेरी डायटिशियन बहुत बुरी आपका है आपका भी अभी कोई हाल नहीं रहेगा क्योंकि अब आप हमारे साथ <laughs> रहेंगे हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो वेरियस हमारे स्टॉल्स हैं उन उनपे इनको ले जा ले जाके खाने खिलाएंगे ब्रेक के बाद जी हाँ अस्सलाम वालेकुम अहमद नवाज वालेकुम अस्सलाम बहुत बहुत शुक्रिया आपका नुक्कर में बैठ जाए खाने पीने की बात हो और अहमद नवाज हमारे साथ ना हो ये एक इम्पॉसिबल सी बात है और मैं इससे पहले कि मेरा भांडा कोई और फोड़ दे मैं सबसे पहले तो व्यूअर्स को एक चीज़ दिखाना चाहूँगी जो एक हरकत मैंने आते ही की जैसे ही हम ब्रेक में गए तो एक रोटी को मैंने छुपा दिया उसका ये हाल करके जिस तरह चूहे नहीं कुतरते <laughs> अल्लाह की कसम बात शुरू हुई थी एक निवाले से वो निवाला निवाली के साथ वो आधा आधी रोटी तो हो गई लेकिन क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया तो इस वजह से मैंने इसको जस्टिफाई कर दिया और विदाउट तड़का मैंने साग खाया विदाउट तड़का इतना लजीज था कि तड़के के साथ अब न जाने क्या होगा लेकिन अब मेरे ख्याल से मैं थोड़ी गैप ले लूंगी खाने के अच्छा एक्चुअली आज हमने ये सोचा कि जब एक बेहतरीन एक्टर और कॉमेडियन और सिंगर हमारे साथ हैं इंसान आप कैसे वो एक सेपरेट गुफ्तु है किसी और दिन के लिए लेकिन आ, और जैनब भी हमारे साथ हैं और इंटरेस्टिंग बात है कि बीइंग अ डाइटिशन एंड न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट ये खुद भी इन सब चीज़ों के बहुत शौकीन है. है आप तो खैर लेकिन आज मैं ए, फर्स्ट टाइम बड़ा हैरान हुआ हूँ कि आपने मेरे एजाज़ में इतना कुछ नहीं नहीं आपके एजाज़ में हमने कुछ भी नहीं किया आज तक ये मैं बड़े वसूक और बड़ी गारंटी के साथ आपको बात कह रही हूँ वो तो आपके घर वालों ने भी नहीं कभी किया वो तो एक सेपरेट गुफ्तु है वो भी हम किसी और औरतें डिस्कस करेंगे जब हम आपकी पर्सनैलिटी को डिस्कस करेंगे लेकिन अभी हम मुलाकात करते हैं उन अमेजिंग पर्सनैलिटी से जो हमारे साथ है सबसे पहले हम बात करते हैं हसन नवाज़ हमारे साथ है मटका दाल चावल के स्टॉल पे और साथ इनकी वाइफ है शमा हसन वालेकुम अच्छा आ, और साथ ही मटका भेजा पे सैयद गुलाम मोहम्मद जिलानी हमारे साथ है राइट जिलानी या गिलानी गिलानी अच्छा तो आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि ये क्या माजरा है ये क्या कहानी है ये कैसे हुआ ये बेसिकली हम जॉब्स में कर रहा था यानी कि एमबीए का आपने एमबीए अपना किया हुआ है राइट यस 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 2019 में किया फिर उसके बाद जॉब्स करता रहा 2 साल यानी कि कोई इतना खास रिस्पांस नहीं मिला कवर्ड हो गया कवर्ड के दौरान भी उसके बाद यानी कि जॉब्स जब कंटिन्यू चल रही थी मेरी तो कुछ जो हमने बेसिकली हमने माइंड जो सेट किया होता है ना जब हम डिग्री लास्ट सेमेस्टर चल रहा होता है या आखिरी सेमेस्टर में हम ये माइंड शेयर करते हैं जैसी डिग्री कम्प्लीट होगी हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है आपको जॉब मिलती है वो या एक्सप्रेशन आपकी फोर्टी फाइव थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड यानी कि उससे ना तो आपका घर का किचन चल रहा होता है ना आप इजिली यानी कि सर्वाइव कर पा रहे होते हो

तो फिर हमने माइंड में कहा करके इसको डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करते हैं क्रिएटिव चीज लाते हैं कोई ऐसी ताकि कस्टमर आए हमारे पास तो फिर अपनी प्रेजेंटेशन हमें दिखाएं और फिर हम अपनी ये जो दोनों मेहमान हैं इनको भी हमने ट्राई करवाना है ओके okay, ओके okay, तो तो तरीका okay. बताएं मुझे मैं बता दूंगा हमारा ये मटका होता है यानी कि इसमें हम कस्टमर सर्व करते हैं लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी हल्की सी दाल यानी कि इसमें लगा देते हैं

और ऑयल uh, में इसको तो देन हमें इसको फ्राई करके ताकि इसमें अगर कोई भी खाना चाहे ना घर जाके तो इस राइस के ऊपर है, है? उसके बाद ये हमारी स्पेशल दाल होती है चार किस्म की दाल होती है इसमें हम ब्लैक पेपर में तैयार करते हैं और इसमें चिकन ऐड होता है उसके बाद हम ये जो है सलाद जो है स्पेशल हमारी

जहाँ भी कुकिंग होती है वो मर्द कर रहे हैं और बहुत मजे के खाने बना रहे हैं और इतने डिफरेंट होते हैं की आपको मजा आता है लेकिन हमें लगता है की जी मर्द का काम तो किचन में है ही नहीं वो तो कुकिंग करता ही नहीं है कर सकता ही नहीं है। मतलब रोजी रोटी कमाना हाँ। इज्जत से इज़त बिल्कुल क्या वो सबसे और हलाल की कमाना हाँ। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, है वो और वो लोगों को खाना खिलाने से ज्यादा कोई प्यारी चीज है इस दुनिया में माय फेवरेट थिंग इन द वर्ल्ड मेरी मेरी फ्रेंड्स मुझे पता है क्या बुलाती हैं फूड एंड बेवरेज मैनेजर कोई बीमार हो जाए कोई इश्यू हो जाए तो सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं खाना लेके पहुंच जाती हूँ वहां पे बिकॉज अल्टीमेटली जिंदगी बहुत छोटी है, है। खा पी के अब और उसका मजा भी बहुत आता है ना एंड द रीजन आई वॉन्टेड ये देखना जरा गर्म हो गया wow. ताकि अब हम ऐसे ही uh, हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर को हमने आज it. ये सारी चीजें ट्राई आई वॉन्ट योर ओपिनियन ऑन एवरी थिंग मतलब ना इ, अभी तो मैंने मटका पिज्जा की बात की आपने मुझे तो इतना कुछ खिला दिया आज अच्छा मटका पिज्जा की क्या कहानी है बेटे खुदा का वास्ता है खुदा का वास्ता है खुदा का वास्ता है एवेक बंदा बात नहीं मुझे पता है आपके बच्चों को भूख लगी है ले, ले जाना बाद में मतलब किसी की जान नहीं छोड़ते हो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था आपने किस चीज का बिजनेस स्टार्ट किया दाल है? चावल का अच्छा वो पहले दिन ही कुकर फट गया था तो <laughs> खुद तो नहीं कुकर में बैठ गए थे अच्छा तो इसका अब रिस्पांस कैसा है

इसकी कहानी जी कुछ ऐसे है कि आ, कुछ डिफरेंट करने का सोचा था hmm. पिज़्ज़ा तो सारे करते ही हैं ये एक रेवोल्यूशन थी जो मतलब मटका के अंदर पिज्ज़ा लोग सुनते हैं और पहले हैरान हो जाते हैं hmm. ये क्या चीज़ है अलहमदल इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है इसकी जो मेकिंग है थोड़ी सी डिफरेंट है और इसमें टाइम फाइव टाइम्स मोर लगता है आई hmm. मीन I mean, खोल के हम वार्म ये, तो ये भी इसका ये खूबसूरती है जी हाफ एन आवर तक ये वैसे ही वार्म रहता है और ये खाने में बहुत डिफरेंट और यूनिक चीज़ है ये अच्छा तो ये आइडिया कैसे आया ये आइडिया ऐसे आया कि आ, मैं बैंकिंग कर रहा था पिछले पंद्रह साल से इंटरनेशनल बैंकिंग अच्छा, मैंने यू गाइस डोंट वर्क टुगेदर नो यू आर सेपरेट यू गाइस सेपरेट तो मटका पिज्जा तो ये कुछ लाइक पंद्रह साल का मेरा एक्सपीरियंस है बैंकिंग का

तो तो बताया मैं आपको ये रहा था कि इसका जो रिस्पांस है अलहमद ये है कि लोग बाहर से इवन इंग्लैंड से कनाडा से अमेरिका से देख के हमारी वीडियोज़ देखते हैं कि यार ये बहुत डिफरेंट चीज़ है चीज़ें आके खाते हैं और माशाल्लाह पसंद करते हैं अच्छा लेयरिंग क्या है इसकी लेयरिंग इसकी जी आ, बेसिकली इसकी एक स्पेशल जो हम बनाते हैं मटीरियल इसके मटीरियल के बाद इसके बीच में इसमें डो होती है हैं जी इसका हम बनाते इसके अंदर चीज डो चिकन नॉर्मल पिज्जा से ये अप्रोक्सी वन एंड टाइम्स जो है ना ये ज़्यादा इसमें मटेरियल होता है और मेहनत इसमें काफी ज्यादा है फिर इसके सेंटर में भी चीज होती है और इसके पिज्जा ले लें और दाल चावल दे दें अच्छा दाल चावल के बारे में अपना ओपिनियन दीजिएगा और एक डिफरेंट है ऐसे चटनी और वो बड़ा मजा आया मुझे अचार के साथ और ये कैसा है Um, <laughs> <laughs> बोलो दाल चावल खाओ अपने मतलब की चीज़ खाओ दाल चावल खा लो चलो इसको सिर्फ इसलिए बुलाते हैं कि बैठ के खाता रहे और थोड़ा चुप हो जाए अच्छा सो so, Response. Response, के में बनता है जी, इसको, जो नॉर्मल पिज्जा है उसका बेकिंग टाइम अगर पांच मिनट है तो इसका ट्वेंटी मिनट लेरिंग हुई, ले ले बेक हुई होती है और इसमें जो इसकी स्लोली और ग्रेजुअली इसको हीट जाती है उससे इसका टेस्ट भी हो जाता है। अच्छा फ्लेवरिंग क्या होते हैं हैं। या एक ही जी जी, फ्लेवर्स हमारे पास में में हमने किए वो फजीता, मलाई बोटी फिर एक स्पेशल होता है हमारा पेपर पेपरोनी पेपरोन, पेपरोनी भी होता है ये इसमें हमने एक नई इनोवेशन की है जी ये मटका मलाई बोटी दीजिएगा। रहे भी एक रेवोल्यूशन है मटका फ्राइज वो मटका फ्राइज वो माय गॉड कम ऑन चमच मिल सकता है yes. चमच कुछ मुझे पकड़ाएं I हाओ वेरी नाइस यस पहले ही कांटा दे देते कम से कम उससे हमारी जान छूट जाती लड़के से अच्छा प्लीज आ मटका फ्राइज दिस रियली नाइस यस इनको लोडेड फ्राइज भी कहते हैं ना जी लोडेड मटका फ्राइज बोलते हैं इसको बैठ जाओ वहां पे मैं पकड़ा देती हूँ तुम्हें एक तो मेरी जिंदगी अजाब की हुई है अच्छा तो

अच्छा ठीक है आप लोग रिसाइकल नहीं करते लेकिन हम अगर घर लेके जाएंगे तो हम जी, उसको हमारी डन हो गई हमने अभी, ब्रेक की तरफ जाने क्योंकि अभी हमने गोल गप्पे तैयार किए रेडी कर दें जी ये खाली है इसमें आपको डाल के हम दफना देंगे अच्छा हाँ ये खाली है तो आप क्या चाह रहे थे आप उस मटकी में बैठना चाह रहे हैं क्या चाह रहे हैं आप ये खा लो ये खा लू अच्छा वो खा ले आपको अब हमने गोल गप्पे खिलाने हैं अच्छी बात है अच्छा मैंने भी। हम जरा गोल गप्पे अपने बच्चे को खिलाए कहाँ पहुँचे हैं गोलगप्पे अभी हमने आपसे भी गुप्त अच्छा आप उसके लवाजमात तैयार करें चले ब्रेक में हम इनको गोलगप्पे हैंड ओवर कर देंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अभी ये भी जानना है कि इन्होंने अपनी बिजनेस का कैसे आगाज किया एंड देन गोले वाले भी हमारे साथ हैं उनसे भी अभी हमने मुलाकात करनी है उनसे गपशप लगानी है क्योंकि नजीर और आबिद साहब किधर गए साजिद और आबिद सॉरी साजिद और आबिद साहब हमारे साथ हैं इनसे अभी हम डिस्कस करेंगे देखिए गोला एक बहुत ही फेवरेट चीज़ है सबकी बचपन की, की। और एक गोला हमारे पास सेट पे भी बैठा हुआ है तो ऐसा करेंगे कि हम ब्रेक की तरफ जाएंगे ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गोले के पीछे क्या कहानी है ये इतनी एक पॉपुलर ये सिर्फ जहाँ पे इनका स्टैंड है वहाँ पे नहीं बल्कि डिफरेंट लोग अपने घरों पर शादियों पर ओकेजनस पे भी बुलाते हैं इनको ताकि ये वहाँ पर सर्व करें ऑलमोस्ट लाइक अ फूड ट्रक तो इनसे भी बात करेंगे इनके गोलगप्पों के बारे में इतना क्या यूनिक है इनसे भी जानेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद व्यूअर्स हम आ गए हैं चमन गोले वाले के पास और हमारे साथ हैं साजिद भाई और उनके भाई आविद भाई से आपके भी ब्रेक से पहले भी मुलाकात हुई थी अच्छा साजिद भाई ये बताइए कि ये गोले का आइडिया और आपकी जो एक बड़ी यूनिक बात है वो ये है कि आप साफ सुथरा मिनरल वाटर और मतलब हर चीज़ की सफाई का बड़ा ख़ास ख्याल रखते हैं सो so, वो जो होता है ना कि टाइफॉइड और इस किस्म की बीमारियों का जो टेंशन होती है वो टेंशन फ्री लोग आपके पास आ सकते हैं तो ये आइडिया किधर से आया ये आइडिया ये आया कि मैं स्कूल पढ़ता होता था मैं एट क्लास में का मैं स्टूडेंट था मेरे अब्बा गोला बेचते थे तो पुअर फैमिली फे, फे, से बिलोंग करते थे हम तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं अब्बा के पास आता था वहाँ पे आके उनसे गोला बनाना सीखता था और उनके पास खड़े होकर मैं गोले बेचता भी था आहिस्ता आहिस्ता मेरी आ, जो है ना स्टडी प्रमोट होती गई तो मैट्रिक के बाद मैं मैरिड हो गया तो मैरिड होने के बाद गोला प्रॉपरली बेचना मेरी मजबूरी बन गई तो मैरिज लाइफ को जो है ना रन करने के लिए और अपने अब्बा जान का ख्याल रखने के लिए मैंने फिर गोला भी बेचना शुरू कर दिया और माँ बाप की दुआओं के साथ मैंने पढ़ाई भी शुरू कर दी और किया हुआ आपने और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इंटर हो गया और जो है ना दो बच्चे हो गए फिर अलहमदिल्ला बी ए हो गया फिर दो बच्चे हो गए फिर अलहमदिल्ला एम ए हो गया

अच्छा तो हम उनके लिए बेहतरीन गोला बनाएंगे और अहमद भाई भी हमारे बेस्ट फ्रेंड है तो इन डेफिनेटली हाँ। इन्होंने मुझे कहा था कि मैं भी मैं बनना चाहता हूँ आप गोला बना दे क्यूँकी मामला हाथ से रख रहा है डॉक्टर साहिबा के लिए बनाना ये तो मैंने जी तो वो ये गोल तो आपके पीछे आपके, पीछे घूमते ही रहेंगे जी तो गोलगप्पे का आपका क्वेश्चन था तो मैं फिर गोला रन करता रहा तो अलहमद फिर मैंने साथ में विंटर में गोलगप्पे स्टार्ट कर दिए तो आहिस्ता आहिस्ता गोलगप्पे भी चलना शुरू किए वो भी मैं अलहमदुल्ला फेमस हो गए तो आजकल मेरा सर्दी में भी गोला अलहमद बहुत बिकता है तो साथ में मैंने अपने भाई को हायर किया हुआ है वो गोलगप्पे हैंडल करते हैं रन करते हैं मेरी मेरे अंडर और मैं ये गोला रन करता हूँ अलहमद बहुत ज्यादा जो है ना गोले का काज एरिया रहा कौन सा है जहां पे एरिया मेरा लाहौर के अंदर डिफरेंट कार्ड्स है बरकत मार्केट है क्रीम ब्लॉक मार्केट है बहरिया टाउन है और वाई ब्लॉक मार्केट डी एच मेरे स्टॉल के अंदर हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता है और हर चीज नीट एंड क्लीन और वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि मेरी जो बर्फ होती है ना ये मिनरल वाटर के पानी की होती है ठीक है क्योंकि ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन होता है गोले वाले के पास आने से पहले कस्टमर का बड़ा ऑब्जेक्शन ये होता है कि बर्फ कैसी है तो मेरे पास बर्फ जो है ना वो मिनरल वाटर की अच्छे पानी की बर्फ होती है अच्छा नॉट नॉट आज से मैं भी आपका भाई हूँ बिल्कुल इनको ठेला लगा लगा के के देना देना जी जी

और जितना ख्याल रखा जाता है हाइजीन का और बाकी चीज़ों का देखिए गोला एक ऐसी ट्रेडिशनल चीज़ है हमारी कल्चर की कि वो सारे ही शौक से खाते हैं यहाँ हो अक्रॉस द बॉर्डर हो लेकिन साफ़ ना हो तो फिर ऑब्वियसली इंसान बच्चों को भी नहीं खिलाता तो इस वजह से इन लोगों का हम लोगों में अच्छा जैनब गोले के बारे में आपका ओपिनियन क्या है गोले के बारे में ओपिनियन ये है कि आइस के लिए अगर हम देखें उसमें तो कोई कैलोरीज नहीं है लेकिन उसके ऊपर जो जूसेस ऐड होंगे और जो चॉकलेट्स और तो वो चीज़ें हम ऐड करेंगे वो हमारी जरा अपनी मर्जी की चॉइस की होंगी तो उस पर हम कैलोरी कंट्रोल रख सकते हैं हाँ लेकिन हमने आपका कोई कैलरी नहीं मेरा रखे प्लीज नहीं नहीं अभी तो हम आप चेक करें ना हमने आपका इस पर नाम भी लिखवाना है रियली हाँ आ जाओ आ जाओ आपका नाम उनका नाम अहमद नवाज है अहमद नवाज जो है ना वो सिर्फ <laughs> अपनी कहानियां <laughs> जो है ना डालने के चक्रों में भी चेक कर अभी इट इज अमेजिंग इट इज मतलब वो लो जी ओए होए 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 वाओ Z A I N A -B. ये तो मैराडोना लिख दिया आपने एक बनाना जिसपे आपने पागल लिखना है ओके okay जी ले जी आपकी स्पेशल गेस्ट का गोला तैयार हो गया जिसपे मैंने इनका, इनका नाम लिख दिया है। तो ये हम गोला स्पेशली डेडिकेट कर रहे हैं चमन गोले वाले की तरफ से और जुगन काजम की तरफ से डॉक्टर जैनब गोंदल को Thank तो you. ये डॉक्टर गोंदल को ये ये ये, ये लीजिए जी ये आपका डॉक्टर जैनब ये नेम प्रोमिनेंट करे उधर और अपनी पिक्चर भी हाँ। अपनी पिक्चर भी एमी पिक्चर भी है इतनी इतनी इश्तेहार है आपको नहीं पता वो बड़े पैसे चार्ज करती हैं चीजों के अच्छा अब बताइए कि आप क्या इनको बना के देंगे या रहने दे, दे इनका गोला रहने दे आ जाओ जा, छोड़ो छोड़ो इसको रहने दो इसको पीछे आ जाओ 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 जा, अभी हमने गोल गप्पे भी बनाने हैं ना है आप बैठ के ये खाए गोला अच्छा जी हमारे आबिद भाई यहाँ पे हैं आइए आइए और हमें बताइए अच्छा आपके गोलगप्पो के बारे में क्या यूनिक है क्योंकि आपने तो पूरा सलाद सलूद नवाज लवाजमाट डाली हुई है नॉर्मली तो चने होते हैं गोलगप्पे होते हैं और साथ में वो पूरी होती है और साथ में खटा पानी डेफिनेटली ये भी आपका एक बेहतरीन क्वेश्चन है पहले गोलगप्पे बिकते होते थे एक आलू जस्ट ऑनली पटेटो और जो है ना सफेद चने इसको मिक्स करके उसको गोलगप्पे के अंदर फिल किया जाता था मगर हमने ये ट्रेंड लाया कि जो सैलेड है ना ये आजकल के जो है डॉक्टर साहब इसको भी रिकमेंड करेंगे

जरूर जरूर और अभी हम इसको गोलगप्पे के अंदर जो फीलिंग होती है उसके अंदर सैलड भी मिक्स करते हैं ताकि गोलगप्पे गोल में थोड़ा सा यूनिक तरीका लाया जाए गोलगप्पे के अंदर हमारी जो एवरी एवरीथिंग है वो नीट एंड क्लीन होती है इसमें भी सफाई का अलहमदुल्लह सेम गोले की तरह ख्याल रखा जाता है इसके साथ हम ये योगर्ट योगर्ट सॉस सॉस डालते हैं। योगर्ट के अंदर जो है ना हम पौदीने, पौदीने को को करते हैं। ग्रीन चिली को होती है। हाँ। इसमें भी दो तीन चीजें हमने मिक्स करके इसको भी एक यमी बनाया होता है इसमें भी ए, बना के बखावित होता है क्योंकि हाय ज़ैनब का गोला क्या प्रॉब्लम है अब खा लो इसको पागलों के सर पे सींग नहीं होते व्यूअर्स वो गोला खाते हैं खुश हैं आप मेरा नाम भी लिखवाए ना आपका नाम एक ही दफा एंड में लिखवाएंगे तख्ती पे तख्ती के ऊपर हाँ एनी हाँ जी ये हमने इसमें आलू और चने डाल दिए इसके बाद हम मसाले का टच देंगे थोड़ा सा अच्छा मसाले का टच भी देंगे जी उसके बाद हम इसमें डालेंगे और उसके बाद हम इसमें मीठी चटनी डालेंगे. Amazing. और इसके बाद खट्टा जो है ना वो कस्टमर खुद इसको डिप करके करेगा जितना उसको चाहिए होगा. Perfect. Awesome. तो Thank you so much. आपको डेडिकेट करते हैं ताकि आप इसको ट्राई करें ऑनरी एरिए अच्छा खट्टा पानी थोड़ा तुसी दे दो मैं दे पा मैं ये हो गया हो गया अहमदाबाद को डाल दे ऊपर खट्टा इसके गोले के ऊपर खट्टा ये एक नया टेस्ट आएगा आपको क्या पता इसके अंदर थोड़ा सा मसाला भी डाल दीजिए और रायता भी डाल दे थोड़ा सा गोलगप्पे बहुत मजे के हैं अहमद आप गाना ही सुना दें क्योंकि आप इस काबिल नहीं है कि आपको कहीं बाहर लेके जाएं हम या टीवी पे तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं बुलाना हम ब्रेक की तरफ जाएंगे ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अर्निंग और स्ट्रगल कितना मुश्किल था अपने आप को स्टैब्लिश करना ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद अहमद नवाज कुछ गा दो ज़्यादा हिले बगैर जी हाँ व्यूअर्स वेलकम बैक वैसे आज क्या अमेजिंग डे है हमारी बेहतरीन और आला जो शेफ़ हैं उन्होंने भी क्या लजीज़ सरसों का साग तैयार किया है और मकई की रोटी और वो भी मेरे ख़्याल से आप ही रेडी हो गया सब कुछ uh, जी ऑलमोस्ट हम उस पर बटर वग़ैरह डाल के उसको मज़ीद और ख़ूबसूरत बनाएंगे वैसे तो आप देख ही रहे हैं व्यूअर्स खाना सबसे पहले आंखों से और खुशबू से खाया जाता है हमें तो बहुत ही लजीज़ खुशबू आ रही है और अगर आपको घर पर नहीं आ रही तो फ़ौर आज सरसों का साग और मकई की रोटी ज़रूर बनाइएगा क्योंकि हमारी बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड आप ही ने बनाया ओहो हो 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 मखनो मखन हो गया क्या बात है ओके okay, सो so, ये बताइए कि आपकी जो बिज़नेस है क्या इस पे इंसान सुकून से पूरी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है बिल्कुल मैं इस चीज़ को रेकमेंड मोस्टली करता हूँ कि पढ़े लिखे इंसान को मिनिमम सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट होना बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। अगर वो पढ़ा लिखा हो के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो वो फिर डिसहाट होगा वो कहेगा कि मैं क्या करूँ जैसा कि मेरी मिसाल ही लोगों के पास है अलहमद के पढ़ाई के साथ साथ अलहमद राइट नो आई हैवे अबिलिटी नैमे एजुकेशन

हमने शुरू किया था एक शॉप से अलहमदिल्ला आज हमारी जो सिटिंग एरिया है तकरीबन हंड्रेड परसेंट का वो सिटिंग एरिया वहाँ पर बन गया और अब पहले हम किसी के पास जॉब करते थे बैंक में नौकरी करते थे आज मेरे पास दस बंदे एम्प्लॉयड हैं अलहमदिल्ला और साथ मेरे भाई भी होते हैं वो आज आ नहीं सके उनकी कुछ तबीयत नासाज थी लेकिन अलहमदिल्ला अब हम इस काबिल हैं कि हम लोगों को एम्प्लॉय करते हैं और उनको रोज़ रोज इज़्ज़्ज़्ज़्त की रोटी मिलती है भाई सबसे हम... पहली बात तो ये कि आप सबको जो सारे लोग आज हमारे साथ हैं मैं आपको कॉन्ग्रेजुलेट करना चाहूँगी ऑन बीइंग ऑनटरप्रनोर्स अपनी बिजनेस स्टार्ट करना उसके साथ साथ हलाल की रोज़ी कमाना सबसे बड़ी बात तो ये है कि इज्जत से रोज़ी रोटी कमा रहे हैं हलाल की कमा रहे हैं और उसके साथ आप लोगों के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं बेस्ट ऑफ लक इचरे में अली टाउन में करीम ब्लॉक में जरूर जाके चेकआउट चआउट कीजिएगा अगर आप लाहौर और पंजाब के एरिया में रहते हैं तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा हम भी चाहते हैं कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो मजीद और कामयाबी हासिल करें बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू एंड अहमद नवाज अगर आपने खा पी लिया है तो कुछ सुना दें हमें जी बिल्कुल <laughs>